हरिओम नमस्कार। मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट व्यू पर तमाम विद्यार्थियों तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप तमाम विद्यार्थियों को मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी के लिए मैं सप्तम पार्ट का सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आप सभी के साथ खुशखबरी के साथ आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप सभी के लिए मैं जो आज वीडियो लाया हूँ वह वीडियो है कर्मवीर कथा। और आज आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में आपके सामने ये प्रस्तुत होगा कर्मवीर कथा, क्योंकि आप भी अपने जीवन में अपने अर्थात में आप अपने कर्मों के बदौलत, इस पाठ में यह दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत बड़े से बड़े पोस्ट को बड़े से बड़े पद को हासिल कर सकता है और जो मूर्ख इस किस्मत का रोना रोना रह जाता है उसी मूर्ख को आज एक चैलेंज के रूप में आज उसके सामने प्रस्तुत होगा कि ये मूर्ख तुम रोना रोते हो और यहाँ पे देखो कि स्थिति कितनी विपरीत है, फिर भी अपने कर्मों के बदौलत कर्मवीर की कहानी आपके सामने आज प्रस्तुत है और कर्मों के बदौलत संसार की या यूँ समझिए भारत की सबसे कठिन परीक्षा सिविल सेवा की परीक्षा में पूरे भारत में प्रथम स्थान ला करके उन्होंने अपना नाम गौरवान्वित किया। तो बिना समय गवाए हुए आज हम लोग शुरू करते हैं पाठ 8। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होना चाहिए, मैं इसी बुक से पढ़ाता हूँ और इस बुक को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझिएगा। क्वेश्चन पहले ऊपर लिखा हुआ है, कहता है पाठे अस्मिने समाजे दलित सह ग्रामीण वसिन पुरुष कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज के ग्रामीण व्यक्ति के बारे में निर्णय बताया गया है, कहानी है। कर्णवीर असो निजी स्थानों विद्या प्राप्त महालब्धम महापदम लभ्यते। ये कहता है कर्णवीर जो है जिस प्रकार सो निजो अस्पताल विद्या प्राप्त महालब्धते समाजे च सर्वसत्कृते भवति। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने साधारण मेहनत को छोड़कर विशेष मेहनत को प्राप्त करता है, निजो स्थान विद्या प्राप्त महापदम लभते समाजे च सर्वत सत्कृते भवति, जिसके कारण समाज में उसे सभी जगह इज्जत सभी जगह सत्कार प्राप्त होती। आपको मैं बता दूं और ये कहते हुए मुझे शर्म भी आ रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति है और आप जिस समाज में रहते हैं मैं उस समाज में रहता हूँ। वर्तमान समय में संबंधों का कोई महत्व नहीं, संबंध तो जुड़ते हैं सिर्फ पैसे से, संबंध जुड़ते हैं आपकी स्थिति से, संबंध जुड़ते हैं आपके ओहदे से, आपके पहचान से, आपके औकात से। इसीलिए आप संबंध बनाए ना बनाए आप पैसा जरूर कमाएं और पैसा कमाने का सही तरीका हो, और जब आप पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा तो आपके पास पैसा इज्जत मान शोहरत सभी हो जाएंगे और संबंधी का कोई कमी नहीं रहेगा, क्योंकि संबंध लोग उसी से बनाना चाहता है जो अच्छा हो, जो वैकल्पिक हो, जिसके पास पैसा हो। इसमें बताया गया कि एक दलित बालक है जो समाज में काफ़ी घृणित नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन जब उन्हें एक पोस्ट हाथ लग जाती है, जब वह कर्म के दम पर अपने मेहनत के दम पर पोस्ट को पाते हैं, तब उनको समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाता है। ये कहता है कथा यह मूल वर्तते यथ निराशो न स्यात् उत्साह सर्वे करंतु प्रभात। इस कथा का मूल उद्देश्य है, इस कथा कहानी का बता कहानी सुनाने का आपको मूल उद्देश्य है, इस कहानी को इस पाठ में संकलित करने का यह मूल उद्देश्य है कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए अपने स्थिति पर और हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साहित ही हमेशा सब कुछ करने का प्रभाव देता है। विल गेट्स एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं, आप सभी को पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट के वो मालिक हैं, लगभग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनकी काउंट की जाती है, क्योंकि उनका कभी ग्राफ घट दूसरे नंबर पे चले आते हैं, कभी पहले नंबर पे चले आते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि दुनिया के अमीर व्यक्तियों में उनकी ख्याति होती है। और उन्होंने कहा कि आप गरीब परिवार में पैदा लिए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और कोई जुर्म की भी बात नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होकर के मर जा रहे हैं ये आपकी सरासर गलती है। इसलिए आपको होनी चाहिए कि आप गरीब ना रहें, आप गरीब बनकर ना मरें। समझिए मेरी बात को। अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं, ज़रा ध्यान समझिएगा, कर्मवीर है, कर्मों के बदौलत क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कहता है अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय पांतरे भीकन टोला नामा ग्रामा। बिहार के दुर्गम प्रांत में
भीखन टोला नाम का एक गांव था, निवसंती असमह तत्व निर्धना, जहाँ पे निर्धन लोग वास करते थे। निवसंती तत्र निर्धना शिक्षा विहीन क्लिष्ट जना, जहाँ पर निर्धन लोग शिक्षा विहीन मतलब बिना पढ़ा लिखा लोग क्लिष्ट जीवन मतलब कलहपूर्ण जीवन किसी तरह पेट पाल के जिंदगी व्यतीत कर रहा था। ज़्यादातर दलित मोहल्लों में इसी तरह का समस्या मिलता है, क्योंकि जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ इस तरह की देखा जाता है, और अशिक्षा जो है वह हमेशा इसी तरह के सिचुएशन को प्रकट करता है। इसीलिए आज भी भारत में दलितों महादलितों या अनुसूचित जाति के उन वर्गों को आदिवासियों को उन वर्गों को शिक्षित करने की कोशिश की जाती है जहाँ पर अशिक्षा अभी भी व्याप्त है। देखिएगा तस्मिन नजात जनस्य परिवारों ग्रामन बहिस्ताता कुटिया नवसंत, इस गांव में लगभग सभी लोगों के पास कुटिया का मतलब मड़ैया का घर था, घास फूस का घर था। कुटी तु जीवन्यान प्राण परिवार जनाना आत्मप्रदेह रक्षति नवृष्टे, इस प्रकार की घर था जो ठीक से उनके इज्जत को आबरू को ढकने में भी समर्थ नहीं था, मतलब कहीं से टट्टी टूटा हुआ कहीं से छप्पर फटा हुआ इस तरह का। परिवार स्वयं गृह स्वामी तस भार्य तरो के पुत्र कन्यासी दुहिता चेस्ताम, परिवार का जो मालिक जो होता था वह नशेरी होता था, नशा करने वाला होता था, अपने पत्नी को मारता पीटता था। पुत्र पुत्री कलहपूर्ण जीवन जीने पे मजबूर थे, वे लोग कलहपूर्ण जीवन जिंदगी जीने के लिए काफ़ी मशक्कत करते थे, यानी शांति कभी नहीं रहा। और इसका मेन कारण है गरीबी अशिक्षा, क्योंकि जो उनके माता पिता थे वह अशिक्षित थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, जो सिचुएशन अवस्था को नहीं समझ पाते थे। तस्मात ग्रामोत कोषमात दूरह प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापिता, इस गांव से एक कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई, ताकि इस समाज के बच्चे पढ़ सके, उनके अंदर शिक्षा। सरकार हमेशा पहल करती है कि कहां किस चीज़ की ज़रूरत है, और संभवतः वहां पे एक प्राथमिक विद्यालय भी खोल दिया गया। तत्र कह नवीन दृष्टि संपन्न, तब वहाँ पे नवीन दृष्टि, जैसा कि मेरा नाम नवीन कुमार है और नवीन का अर्थ होता है नया, नवीन दृष्टि का मतलब नए तरीके से सोचने वाले, नए सिरे से सोचने वाले, नए सोच के नवीन दृष्टि के लोग वहाँ आते हैं। सामाजिक सामरकह शिक्षक समागता, वहाँ पे समाज में आ जाते। बीकन टोला दस्टु मागरतः सकजात्मित खेल रत्न दलित बाल के विलोकस्य तस्यान प्रमति स्वभावनेन विभूतः, स्कूल तो खुल जाता है लेकिन दलित के जितने सारे बच्चे होते हैं, दलित बालक जितने होते हैं, उनके माता पिता तो पढ़े लिखे थे नहीं और शिक्षा के महत्व को समझते नहीं थे कि बच्चे को पढ़ाना कितना जरूरी है। उसी तरह बच्चे गंदे रहते थे, मोहल्ले में इधर उधर खेलते रहते। खेल रत्न मतलब एकदम खेल में मानो इस तरह की जैसे रत्न प्राप्त करना हो, इस तरह जैसे मान लो मेडल ट्रॉफी की तैयारी हो रहा हो। तो कहता है कि शिक्षण बालकेन स्वविद्यालय सह शिक्षक बालकेन स्वविद्यालय स्व शिक्षा विवरता बालको शिक्षा कालिष्ट शिक्षण शैला आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरीति मनमानो निरंतर मधवासेन विद्यागते निरतरो भवतः। चूँकि शिक्षक नवीन दृष्टि के थे, उन्होंने सोचा कि दलित के बालक जो है हमेशा खेलने में व्यस्त रहते हैं, वो तो पढ़ते हैं ही नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। और सरकार ने जिस उद्देश्य से इस प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की है शायद वह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए स्कूल से नए नए तरीके के हथकंडे अपनाने, जैसे छात्रवृत्ति देना, भोजन उपलब्ध कराना, कॉपी किताब जैसे सुविधाओं को देना, ताकि बच्चे में एक प्रकार का ललक आ जाए, एक लालच आ जाए और स्कूल आना शुरू करें। उन्होंने कहा है कि क्रमशः उच्च विद्यालय गतवश शिक्षक स्वाध्यान स्वाध्यान सह प्रथम प्राथम्य प्राप्त छात्र माध्यानम तप इति भूभाव स्वविद्या गुणम पदिष्यति स्वबालके प्रतानुभवति छात्रवृत्त कानिश छत्रान शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेश लब्ध। ये कहता है कि उस विद्यालय में
एक बालक जो था वो बहुत इस तरह के, जब बच्चे आने लगे तो उस विद्यालय में एक बालक जो आया वो क्या है, बहुत ही शैल आकृष्ट, बहुत ही गुणवान, जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, जो शिक्षक को अपने तरफ आकर्षित कर दिया। और शिक्षक ने इसके पढ़ाई के बारे में चिंता जाहिर की, इसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में पता किया, तो पता चला ये पारिवारिक स्थिति से इसकी दैनिक स्थिति जो है, दयनीय स्थिति है इसकी, परिवार की स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, अभी आगे पढ़ नहीं सकता। लेकिन शिक्षक लोग समझते थे कि बच्चा जो है आगे कुछ ना कुछ भविष्य में कुछ कर सकता है, इसीलिए शिक्षकों ने क्या किया कि उसे स्व विद्या गुण प्रदिष्टो सो बाल के, विद्या के गुण के कारण पितरोपी भावपी, पिता के बिना इच्छा रहते हुए भी छात्रवृत्ता कन्या स छात्रवृत्ति के पैसे से कनिष्ठ छात्र शिक्षण लब्धेन, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और धनीन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश लब्धम, और महाविद्यालय में प्रवेश किया। तद्रापि गुड़ियाना प्रियं सन सतत पुस्तकालय स्ववर्गे सदा वश्यतम अकृत अकाले न स्वाध्यान पूर्भवते, जहाँ पर उसके पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं होती है तब वह क्या करता है, पुस्तकालय के पुस्तकों से अपने ज्ञान को अर्जन करके स्वाध्यायन में लग जाता है। महाविद्यालय पुस्तकगारे बहुना विषानी पुस्तकानी आत्मसातो कृतवान, उन्होंने पुस्तकालय के बहुत सारे पुस्तकों से ज्ञान अर्जन किया। तत्र स्नातक परीक्षाया विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पावत स्व महाविद्यालय ख्याति वर्धम, तब उसने स्नातक की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किया और अपने महाविद्यालय में भी अपनी ख्याति प्राप्त की, अपना नाम प्रभात किया। तत् किया न आसमतः, ये कहता है तत्र आसमतः अति सर्वतः राम प्रवेश इति सबसूर्यते नगर अस्मिने, पूरे गांव में महाविद्यालय में जब नाम जब चर्चित हुआ तब जाकर के पूरे गांव में चर्चा हुआ कि एक लड़का है जिस लड़का का नाम राम प्रवेश है, जिसने महाविद्यालय में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नगर विश्वविद्यालय च नाना जानता पितरावस्य विद्या जन प्रतिष्ठान, उसके विद्या ग्रहण के कारण उसके पिता का सभी जगह प्रतिष्ठा बढ़ने लगा। वर्षों अंतरे वर्षों समय बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा मापी स्वाध्यायन वासने व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नत स्थान प्राप्त, और उन्होंने क्या किया, स्वाध्यायन अपने ज्ञान के दम पर, अपने प्रकाष्ठा अपने पढ़ाई के दम पर उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जिसको UPSC की परीक्षा बोलते हैं, ठीक है ना, सिविल सेवा आयोग की परीक्षा में उन्होंने क्या किया, उन्नत स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार च समिति सदस्य व्यापक ज्ञानेन तथापि तादृशो परिवार परिवेश कृतेन सर्मान्यन भावस च परम प्रीता भुवन, साक्षात्कार में जब उसका जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति लोग जो था इसके व्यापक ज्ञान से काफ़ी प्रभावित हुआ कि आखिरकार इतने गंदे परिवेश से, इस तरह के दलित परिवेश से जहाँ पे इसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उस परिवेश से बालक आकर के इतना ज़्यादा ज्ञानी है, इतना ज़्यादा ज्ञान को अर्जन किया है, इतना स्वाध्यायन के दम पर जब अपनी जीवनी सुनाता है तब साक्षात्कार लेने वाले लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। और अधा राम प्रवेश प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासन च बहुत, और आज के समय राम प्रवेश जो है वह केंद्र प्रशासन में काम कर रहे हैं, वहाँ उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। तत् प्रशासन क्षमता संकट काले च निनस्य सामर्थवान सर्वेशा वर्तते, उनको संकट काल में जब संकट की स्थिति होती है, जब लड़ाई होता है, कहीं पे राइट हो गया, कहीं पे अनहोनी हो गया, वहाँ उस संकट काल में जो अपने ज्ञान के दम पर, अपने विद्या के दम पर जो तुरंत जो एक्शन कंट्रोल करते हैं, उसका निर्णायक सामर्थ्य सभी जगह व्याप्त है, सभी लोग समझते हैं। नून मासे कर्मवीरो व्यति बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजात सत्यमुक्तः, सत्य ही कहा गया है, उद्योगी न पुरुष में लक्ष्मी उपैती, उद्योगी ही पुरुष, काम करने वाले ही पुरुष के पास लक्ष्मी आता है, रोना रोने वाले व्यक्ति के पास पैसा नहीं आता। जो व्यक्ति उद्यमी है, जो व्यक्ति कार्य करने वाले हैं, उसके पास लक्ष्मी हमेशा विराजती है। इसीलिए आप पढ़ाई अच्छे से करें, कर्म का रोना नहीं रोएं कि हम गरीब आदमी हैं। आप देख सकते हैं राम प्रवेश एक ऐसा व्यक्ति था जिसके माता पिता दलित थे, माता पिता अनपढ़ थे, मजदूरी क्या करते थे, पिता शराबी था, अपने पुत्रों को अपने पितरियों को मारा करता था, फिर भी उस समस्या से जूझकर राम प्रवेश ने अपने स्वाध्याय के दम पर, अपने दम पर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा तो उत्पन्न की ही, साथ में उसके पिता का भी प्रतिष्ठा, उसके पिता का सीना को भी बुलंद किया कि मेरा पुत्र जो है सिविल सर्विस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, एक IAS ऑफिसर बना।
और आज केंद्रीय लोक सेवा प्रशासन क्षेत्र में सेवा दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक मोटिवेशनल की तरह भी ये काम करेगा। और हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम आपसे मांगते हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई। और जब आप अपने समय में, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा टेंथ में पढ़े और सिविल सेवा की तैयारी कर ले और वह टॉपर बन जाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कोई बच्चा टेंथ में पढ़े और टेंथ के परीक्षा में टॉपर कर सकता है, कोई बच्चा दसवीं में पढ़े दसवीं के सारे विषयों का खूब गहरी अध्ययन कर सकता है, कोई बच्चा दसवीं में पढ़े और दसवीं के संस्कृत में 100 नंबर अंक प्राप्त कर सकता है, कोई बच्चा दसवीं में पढ़े और दसवीं के मैथ के कुल अंक प्राप्त कर सकता है। यानी आप जिस कक्षा में हैं वहाँ आप एक अच्छा प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ावा दे सकते हैं, अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, उन्नत स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब कहने से नहीं होगा, करने से होगा, करने से होगा, करने से होगा। और किया तब जाता है जब आप विषय व्यापक क्षेत्र में ज्ञान अर्जन करते हैं, पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। और यह किस प्रकार संभव है ये आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस मेंशन कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैनपुर।